शिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व माना जाता है और शिवरात्रि से एक दिन पहले शिव विवाह कराया जाता है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली के सदर बाजार में भगवान शिव का विवाह कराया गया और भगवान शिव की बारात की इस झांकी को देखने हजारों लोग उमड़ पड़े और भगवान शिव नदी बैल की सवारी कर भूतों की बारात लेकर पहुंचे माता पार्वती को बिहान। और इस बारात में हजारों लोगों बने बाराती। और गौर करने वाली बात यह रही कि इस बारात में दिल्ली सदर बाजार के व्यापारियों ने भी भाग लिया और सभी धर्मों के लोग इस बारात में शामिल हुए और एक संदेश भी दिया कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख ईसाई, सब एक होकर इस शिव बारात में शामिल हुए। हरण हमने इसलिए ही किया है कि यह मैसेज देने के लिए कि शिवरात्रि का महत्व यही है, शिव विवाह, उसी के आधार पर हम झांकी का इन्होंने आयोजन किया और हमने प्रस्तुत किया अपनी झांकी को। जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर किसी ने असली हिंदुस्तान देखना तो यहाँ पर देखे। यहाँ पर प्यार का, धर्मों का जो मेल होता है वो कहीं पर नहीं होता और इसका संदेश ही पूरे हिंदुस्तान में जाता है, भारत में जाता है। क्योंकि आज देख रहे हैं जितना मुश्किलों के सामना करना पड़ा, कोरोना काल हो या किसी प्रकार का भी हो, तो उसमें ये हुआ कि हम लोग इतनी मुश्किलों से निकले, ये बाबा की कृपा ही हुई है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए। आज जिस प्रकार की शिवरात्रि का यहाँ त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं और यहाँ पर प्रभु के गुण गा रहे हैं। रात्रि से पहले दिन हम शिवरात्रि निकाल रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भगवान शंकर से सब धर्मों के लोग सुख समृद्धि शांति की विनती करते हैं और शंकर भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसे आशीर्वाद ना देते हो शंकर भगवान। और शंकर भगवान की कृपा से आज की तारीख में और मोदी जी की मेहरबानी से आज की तारीख में हिंदुस्तान दुनिया के अंदर पांचवें चौथे नंबर पे पहुंच रहा है। ये सब शंकर भगवान की कृपा है। और शंकर भगवान की ये धर्म की आस्था है। कई दशकों से हमारे यहाँ पर शिव बारात निकलती है और सब इनका हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते जो आनंद हमें यहाँ मिलता है। ये सब धर्मों को इकट्ठा करने वाली बात है। सब लोग इकट्ठे मिलके शिव बारात में इकट्ठे होते हैं और खूब आनंद उत्सव मनाते हैं। हमारे आदिनाथ देव भगवान शिव एक ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया। देवता है उनको आशीर्वाद दिया, राक्षस है उनको आशीर्वाद दिया। तो हम तो सब लोग जब से हमारी सनातन धर्म बना है, हम किसी में भेदभाव नहीं करते, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भगवान राम ने भेली के भी पेड़ खाए थे, तो हमारे कोई पक्षपात नहीं है, ना छोटा ना कोई बड़ा है। सब लोग हम साथ मिल गए, सारी कौम साथ लेके चलते हैं इस बारात के अंदर और बड़ा भव्य स्वागत होता है। सालों से पहले यहाँ जैन समाज का वो निकलता था, लेकिन अब कई सालों से शिव बारात ही पहाड़ी दिवस की शोभियान यात्रा है। ये मेरे शिव बारात, वैसे तो सभी धर्म के लोग शिव जी को दुनिया का सबसे पहला जो जिनने ये पूरी सृष्टि रची, रचने वाले भोले बाबा हैं। और कल शिवरात्रि है, कल अधिकतर लोग व्रत रखते हैं शिवरात्रि के दिन। तो जब हमने पहले दिन आज से 25 साल पहले एक बार शुरू करी थी तो थोड़ा सा सिस्टम को ज़्यादा बढ़िया से हम मैनेज नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ये जो सिस्टम है, पहले दिन हम जो है शिव बारात निकालते हैं और ये संदेश देते हैं, शिव जी का संदेश देते हैं, पूरी दुनिया के लोग एकजुट होकर मिलजुल कर रहें, सभी धर्म हो, जातियों पर किसी भी तरह के लोग हों, सब आपस में मिलजुल कर एक एकता के हिसाब से।